नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, एनिमल फिल्म के रिलीज़ होने के बाद एक गाना काफ़ी ट्रेंड में आ चुका है और ये गाना है जमल जमलो। इंटरनेट पर बहुत ही कम ऐसे गाने होते हैं जो अपने रिलीज़ के सालों के बाद अचानक से इतना पॉपुलर हो जाते हैं। इससे पहले अली जफर का दिल झूम एक ऐसा ही गाना था और अब है ये गाना। दोस्तों, आजकल इस रील्स और शॉर्ट वीडियो के इरा में कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए किसी को पता नहीं चलता। आज ये गाना पूरे इंडिया में ट्रेंड हो रहा है और लोगों ने बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी बना दिया है। वैसे लॉर्ड बॉबी पर पिक्चराइज इस गाने में डेफिनेटली वाइफ तो है और हम बड़े ही आसानी से इस गाने पर झूम सकते हैं। वैसे पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने एनिमल के गानों से जुड़ी कुछ ट्रिविया को शेयर किया था। आज का हमारा ये वीडियो उसी का अपडेटेड वर्जन है जहां पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं, साथ ही साथ यहां पर हम बॉबी देओल की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। बेसिकली जमल जमलो एक ईरानी गाना है जिसे 50 के दशक में फारसी कवि बिजान समंदर ने सबसे पहले अपनी एक कविता में यूज किया था। आगे चलकर 1958 में द खिराजी गर्ल्स के एक ग्रुप ने द सिराज चैन नाम्स के म्यूजिक बैंड के अंतर्गत अपने इस गाने को रिलीज किया। आगे चलकर इस गाने को ईरानी शादियों में यूज किया जाने लगा और धीरे धीरे वहां की कल्चर का हिस्सा बन गया। आगे चलकर अलग अलग सिंगर्स और म्यूजिक लेवल ने इस गाने का कवर वर्जन निकाला जिसमें जमल जमलो का मिक्स वर्जन क्वाइट पॉपुलर हुआ जिसे ट्रेडिशनल भंडारी लेवल के अंतर्गत रिलीज किया गया। इसके अलावा सिंगर जिया ने भी इस गाने को गाया जो आजकल इंटरनेट पे क्वाइट पॉपुलर है। सिंगर हामिद जहां ने इस गाने का फास्ट पेस वर्जन निकाला और ये गाना भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। ईरानी शादियों में बजने वाला ये वहाँ का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है और अगर आप ध्यान दें तो इस गाने को फिल्म में वहीं पर यूज़ किया गया जहाँ पर बॉबी देओल की शादी हो रही थी। यहाँ पर फिल्म का डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की दाद देनी होगी जो अपनी फिल्म में इतना डेडिकेशन लेकर आए। I mean, अगर वे इस गाने की जगह कोई इंडियन सॉन्ग या फिर कोई ट्यून भी रख देते तो कोई भी फर्क न पड़ता, लेकिन उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी और फिल्म में उसी गाने को लेकर आए जो वहाँ की शादियों में यूज़ होता है। यही चीज़ एक डायरेक्टर की विज़न और फिल्म मेकिंग के प्रति उसके पैशन को दिखाती है। दोस्तों, इस गाने के थ्रू वहाँ की कल्चर का कुछ ना कुछ एसेंस डेफिनेटली हम तक पहुँचा है। दोस्तों, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों के गाने और इवन सॉन्ग डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अगर आपने गौर किया होगा तो अर्जुन रेड्डी से लेकर इस फिल्म तक उन्होंने अपनी फिल्मों में गाने, ट्यून्स और इवन बैकग्राउंड स्कोर की प्राइवेट सोर्सिंग करी है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को जो कुछ भी पसंद आता है उसे अपनी फिल्म में यूज़ कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इंटरवल फाइट से पहले रणबीर कपूर अपने कानों में हेडफोन लगाते हैं और एक मराठी गाना प्ले होता है। ये गाना था डोलबी वाल्या। दोस्तों, अजय अतुल के द्वारा कंपोज किया हुआ ये गाना ग्रीस कुलकर्णी की फिल्म जॉर्जिया बाला साहब फिल्म से लिया गया। ये डायरेक्टर साहब का ही विजन रहा होगा। दोस्तों, जैसे ये गाना स्क्रीन पर आता है मोमेंट एकदम से लाइट हो जाता है। आपको बता दूं, एनिमल फिल्म का एक एक गाना और इवन एक एक ट्यून अपने में एक ट्रिविया रखती है। फिर चाहे अर्जुन वैली गाना हो जिसे पंजाबी फोक ट्यून से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया। ओरिजिनली इस ट्यून को कुलदीप मानक जी ने कंपोज किया जो कि उन्होंने अर्जुन सिंह नालवा के लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। आपको बता दूं, अर्जुन सिंह नालवा सिख मिलिट्री कमांडर हरि सिंह नालवा के बेटे थे जिन्होंने अपने पिता के डिमाइस के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और अकेले मुगलों को खदेड़ के दिखाया था। कुलदीप मानक जी का ये कंपोजिशन धीरे धीरे पंजाबी फोक गीतों का हिस्सा बन गया जिसका काम लोगों को मोटिवेट करने में किया जाने लगा। आगे चलकर भूपेंद्र बप्पाल जी ने इसी कंपोजिशन पर अपना गाना अर्जुन वैली बनाया और अगर आप इस गाने का पिक्चराइजेशन ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिख सरदार ये गाना तभी गाते हैं जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर अकेले 200 से 300 लोगों से लड़ता है। यहाँ पर वे उन्हें अर्जुन सिंह नालवा का रेफरेंस देकर रणबीर कपूर को मोटिवेट कर रहे थे। आपको बता दूं, रणबीर कपूर से पहले इस गाने को शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर भी फिल्माया जा चुका है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमेक्स फाइट में हमें एक गाना सुनने को मिलता है, सारी दुनिया जला देंगे। दोस्तों, अगर आप इस गाने से इसके वर्ड छून लो तो ये ट्यून आपको कहीं ना कहीं तो सुनने को डेफिनेटली मिली होगी। लंबरगानी और चिट्टा कुक्कड़ बहुत ही पॉपुलर गाने हैं जिन्हें इसी ट्यून पर बनाया गया है। आपको बता दूं, ये ट्यून बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर पंजाबी टाप्पे से ली गई है जिसे एक तरह से हम पंजाबी फोक सॉन्ग ही मान सकते हैं। इसका सबसे पहला यूज 1958 की फिल्म फागुन में देखा गया था। लिरिसिस्ट कमार जलालाबादी ने
इसे लिखा और रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था। आपको बता दूं, इस गाने को मधुबाला और भरत भूसल पर पिक्चराइज किया गया। तुम रूठ के मत जाना मुझसे क्या शिकवा। चूंकि ये ट्यून पंजाबी फोक कल्चर का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए पंजाब से लेकर पूरे इंडिया में अलग अलग आर्टिस्ट ने इस ट्यून को यूज किया। 80 के दशक में सिंगर चित्रा जी और जगजीत साहब ने अपने गाने कोठे ते आ माहिया में इस ट्यून को यूज किया। इसके बाद से इस ट्यून को लगातार यूज में लिया जाता रहा। खैर, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को भले ही क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, लेकिन इस फिल्म में एक क्रिएटिविटी तो है। खैर, बात करते हैं लॉर्ड बॉबी की। दोस्तों, लॉर्ड बॉबी को इस फिल्म से मात्र 20 से 25 मिनट ही दिखाया गया, लेकिन जब जब वे स्क्रीन पर आते हैं पूरी स्क्रीन को खा जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वे कई जगह पर रणबीर कपूर पर भी भारी पड़े हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर ज़्यादा बॉबी देओल को इस फिल्म का फ़ायदा हुआ है। बॉबी देओल पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन बने हुए हैं। ये तब है जब बॉबी देओल इस फिल्म में मात्र 20 से 25 मिनट नजर आए। अगर पूरी फिल्म में बॉबी देओल होते तो क्या ही इम्पैक्ट पड़ता। खैर, इस फिल्म को बॉबी देओल के कमबैक फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है। एंड ये फैक्ट है कि फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में जब ये फिल्म जाती है तो थोड़ा सा डाउन होती है। ये बॉबी देओल ही थे जिनकी एंट्री के बाद ये फिल्म पिकअप पकड़ती है और क्लाइमेक्स में तो अलग ही लेवल पर चली जाती है। जमल जमलू के गाने के साथ साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी तगड़ी थी। उनका डेडली लुक रणबीर कपूर पर भारी पड़ रहा था और यही वजह थी कि जब हम बॉबी देओल को स्क्रीन पर देख रहे थे तो मजा आ रहा था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद बॉबी देओल विलन गिरी के एक अच्छे विकल्प बन चुके हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के बाद भी पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीरामल्लू में औरंगजेब के रोल में नजर आएंगे। सूर्या की फिल्म कंगुआ में भी ये मेन विलन है। साथ ही साथ नंदमुरी बालाकृष्णा की अगली फिल्म में भी बॉबी देओल को विलन के तौर पर ही कास्ट किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में बॉबी देओल के डेडली लुक के साथ साथ उनकी इमोशनल साइड भी देखने को मिली है। ये वही एक्टर है जो सालों तक डिप्रेशन में था और इसके पास काम नहीं था। आज ये एक्टर अपना एक तगड़ा कमबैक कर चुका है और इवन यूथ भी इनको रिकॉग्नाइज कर रहा है। बहरहाल, बॉबी देओल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।